हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रोमन नंबरल ट्रिक, जिसमें हम सीखने वाले हैं 1 से लेकर 1000 के सभी नंबर्स। तो इतनी इजी ट्रिक है जो आप कभी लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। अगर भूलना चाहोगे तो बेटा तो भी भूल नहीं पाओगे और सारे कंफ्यूजन आपके आज दूर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट और लाइक जरूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस बोलना है, क्या? माई डियर कैट लवर्स, माई डियर कैट लवर्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। माई फर्स्ट लेटर एम है, तो माई डियर डी, कैट सी, लवर्स एल, माई डियर कैट लवर्स। और बाकी यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक तो नॉर्मली सबको आते हैं। तो यहाँ पे हो गया आई वी एक्स। तो इसको अगर हम और तरीके से अगर हम इसे याद करें तो कैसे, आई वी एक्स एल, आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम। रिपीट करिए बच्चों, आई वी एक्स एम सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम। क्या करना है हमें, एक एक नंबर के बाद उस एक नंबर को छोड़ते जाना है। तो यहाँ पे एक नंबर पे मैंने अंडरलाइन किया, इसको छोड़ दिया, इस पे अंडरलाइन किया, इसको छोड़ा, इस पे अंडरलाइन किया, इसको छोड़ा, इस पे अंडरलाइन किया। ओके, तो ये जो नंबर मैंने अंडरलाइन किए हैं बेटा, ये हम इसे रिपीट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपीट। अब हमें क्या करना है, आप बोलोगे मैम क्या हम इसे रिपीट करेंगे तो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, इन नंबर्स को हम 3 times रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम्स, 3 times। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे 1, 2 मैंने यहाँ नंबर लिखे 10 तक। आपको इसे कैसे करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा 1 है इसे हम रिपीट करते हैं कितने टाइम्स, 3 times। तो चलिए रिपीट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा 1, आई यहाँ पे डबल आई, यहाँ पे 3 times आई। इतना समझ में आया। 4 को अभी मैं छोड़ रही हूँ, मैं 4 को नहीं लिख रही हूँ, याद रहे। अब क्या है यहाँ पर 5, तो हम 5 को क्या बोलते हैं, वी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वी। ओके, तो अब जब हम 6 लिखेंगे तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 6, 7, 8, यानी कि जो 3 नंबर है यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, वी। वी लिखा, वी लिखने के बाद देखिए इन नंबर्स पे हम ये नंबर्स ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि 5 + 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया आई, अभी समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए 7 है ना, इसको कैसे थे, 5 + 2 कितना हुआ, 7। तो यहाँ पे डबल आई, 8 कैसे बनेगा, 5 + 3 8। तो यहाँ पे 3 stick, कितना समझ में आया। मैं अब यहाँ पे 9 को नहीं लिखूंगी, 10 को मैंने क्या बताया था, 10 को लिखते हैं हम x लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 4 और 9 नहीं बताया, तो बच्चों 4 और 9 को मैं बता रही हूँ। तो देखिए जो भी नंबर आपका 4 और 9 पे होगा, 4 या 9 पे होगा, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसको पहले एज इट इज ऐसे फॉलो करो। तो ये नंबर मैंने यहाँ लिख लिया, डन। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 9 लगानी है यानी कि आई, और यहाँ पर भी हमें आई लगानी है। ये देखिए सारे नंबर बन गए, सभी नंबर बन गए ना, देखिए कितनी इजी वे में। चलिए अब बात करते हैं 2 digit के नंबर की, इनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो नंबर हमें पता है उनको लिख लेते हैं। तो 10 को क्या बोलते हैं बेटा, x, 50 को बोलते हैं l, और 100 को बोलते हैं c। इतना समझ में आया। तो ये जो नंबर है x और c, इनको हम रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले x हुआ सिंगल, देन हियर डबल, डबल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 3 times x, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 times रिपीट कर सकते हैं। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, l, यहाँ जो हमने जैसे कैसे क्या था, यहाँ पर जैसे v लिखा था, v के बाद हमने 3 times v लिखा, और ये सारे नंबर इंक्लूड कर रहे थे, सेम एज इट इज हमें l लिखना है 3 times। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे l लिखा 3 times, और ये सारे नंबर, देखिए ये सारे नंबर मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगी। तो यहाँ x हो गया l x, l डबल x, l 3 times x, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे करा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरा 40 और 90 का स्पेस रह गया है, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे v को ऊपर लिखा था, x को
ऊपर लिखा था सेम एज इट इज, एल को ऊपर लिखूंगी और सी को भी ऊपर लिखूंगी, और हमें क्या इंक्लूड करना है, सिर्फ ये नंबर। यहाँ आगे हो गया x, यहाँ पर भी आगे हो गया x, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। तो अब देखते हैं बेटा ये वाले नंबर 100 से लेके 1000 के नंबर कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए c हमारा क्या हो गया 100 प्लेस पे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, माय डियर कैट लवर्स, तो यहाँ पर हो गया माय, यहाँ पर हो गया डियर कैट और ये लवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा है सी है, ये थ्री टाइम्स क्या हो सकता है, थ्री टाइम ये रिपीट हो सकता है। तो थ्री टाइम्स रिपीट कर लेते हैं, 1 1 2 1 2 3 डन। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, जैसे मैंने यहाँ पे 5 का फॉलो किया, 50 का फॉलो किया, सेम एज इट इज मैं किसका फॉलो करूंगी बेटा, 500 का। तो कैसे करेंगे ये डी, तो यहाँ पे हम कितने बार डी लिखेंगे, 3 मोर टाइम्स, ये डी लिखा 500 का, और यहाँ पे हम 3 बार और लिखेंगे। तो 3 बार लिखने के बाद ये सारे नंबर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जैसे हमने ये सारे नंबर यहाँ इंक्लूड करे थे और ये नंबर यहाँ इंक्लूड करे थे। तो ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी सी और डी डबल सी और डी ट्रिपल सी। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पे 400 और 900 की स्पेस लीव कर दिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए चलते हैं। यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पर 1000 लिखा है, तो ये m है, मैं इसको ऊपर लिखूंगी, यहाँ पे d लिखा है तो मैं अगेन यहाँ d लिखूंगी, डन। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर लिखा है उसको आगे लगाना है, डन। तो कितना इजी है ना, तो बहुत ही इजी स्टेप में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे वीडियो। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखना है, नंबरिंग में लिखना है, यानी कि 21 22 23, तो बहुत ही इजी स्टेप है बेटा। 20 है ना यहाँ पे 20, तो हम 20 को कैसे लिखते हैं, डबल एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो बस हमें आई ही तो लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। तो सेम एज इट इज आप सब में ऐसे एक्स लगा लीजिए, एक्स लगाने के बाद, ठीक है, एक्स लगाने के बाद 2 3 4 5 6 लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसे कैसे करना है, डबल यहाँ पे 3 टाइम्स, 4 को हम लीव कर देते हैं, 5 को हम लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर आया वो वी और यहाँ पर आई, ओके। अब हम 6 को वी आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई, और यहाँ पे 9 को कैसे लिखते हैं, एक्स, और यहाँ पर आई एक्स, और 30 को कैसे लिखते हैं, ये रिपीट होता है एक्स हमारा, 3 टाइम्स एक्स। तो आप इसी तरीके से अपने सारे नंबर्स लिख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बता दूं कि इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर में। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा है 401, तो 400 ये रहा सी डी, तो सबसे पहले मैंने लिखा सी डी, और क्या है 1, तो 1 हम सिर्फ इस तरीके से लिख लेते हैं, डन। अब यहाँ लिखा है 602, तो 600 हो गया डी सी, ये हो गया डी सी, और यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 लाइंस। 521, तो 500 हो गया डी 21, क्या बोला 21, तो 20 कैसे लिखते हैं, 20 मतलब डबल एक्स और 1 सिंगल आई, ओके। अब यहाँ लिखा है 735, तो 700 क्या है, सी डबल डी डबल सी डी डबल सी, और 30 कैसे लिखेंगे, डबल एक्स और ये हमारा 5 है। यहाँ पे लिखा है 946, तो 946 को हम कैसे लिखेंगे, 900 ये रहा सी एम, यहाँ लिखा हमने सी एम, और 4 को यानी कि 46 को कैसे लिखेंगे, 40 मतलब एक्स एल, तो यहाँ हुआ एक्स एल, और 6 को बोलते हैं हम वी आर, ओके। यहाँ लिखा है 859, तो 800 कैसे होगा, सी यहाँ पे डी ट्रिपल सी डी ट्रिपल सी, और 59, तो 50 का क्या होता है L, और 9 का होता है आई एक्स। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और आप अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर और प्लीज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमें फॉलो जरूर करें, तो धन्यवाद।